दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। बड़ी भर्ती के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हाल ही में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के रूप में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। लगभग 10,000 से अधिक पदों के ऊपर भर्ती हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये करवाई जाएगी। दोस्तों इसके अंदर अगर बात करें तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को शामिल करते हुए नोटिफिकेशन निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आज की डेट में निकाल दिया गया है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 8,974 पदों के ऊपर भर्ती गैर अनुसूचित क्षेत्र में होगी। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करें तो 888 पदों के ऊपर होने वाली है। तो टोटल अपने पास में 9,862 पदों के ऊपर भर्ती आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में होगी। साथ ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें जिसमें 282 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के होंगे और 13 पद अपने पास में अनुसूचित क्षेत्र के होंगे, जिसमें 295 टोटल पद यहाँ पे इसमें निकाले गए हैं। तो इस प्रकार से गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो इसमें 9,256 पदों के ऊपर और 901 पद जो है वो TSP एरियाज के होंगे। तो इस प्रकार से 10,157 टोटल रिक्रूटमेंट टोटल वैकेंसीज कंप्यूटर के रूम में यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में निकाल दी गई। दोस्तों बड़ी भर्ती यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए ये है, जिसमें काफ़ी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ जिन अभ्यर्थियों ने या तो PGDCA कर रखा है या फिर कंप्यूटर साइंस से BTEC या फिर मास्टर डिग्री कर रखी है, उन अभ्यर्थियों के लिए शामिल है। इसमें जो आप देख रहे हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, एक्सपीरियंस वाले इसमें एलिजिबल हैं। और साथ यहाँ पे अगर बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती के लिए, तो इसमें सिंपल आपके पास में किसी भी फील्ड्स में जो आपका कंप्यूटर साइंस का फील्ड है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या फिर आपके पास में जो भी BTEC अगर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन से कर रखा है, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है या फिर ITCS ब्रांच से कर रखा है, तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर अगर बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो इसमें कम्प्लीटली ऑनलाइन माध्यम से आपको SOCIDs के माध्यम से जाके या फिर ऑफिशियली वेबसाइट्स पे जाके आपको अपने रिक्रूटमेंट्स को ईजिली वे में भरना है। उसके बाद में हम बात करें इसके लिए जो आपको बेसिकली जो नीडेड होगी इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें आप CSE के द्वारा, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि आपका जनरल कैटेगरी से जो क्रैमिल ईयर आप आते हैं अति पिछड़ा वर्ग में, तो ₹450 आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऑनलाइन माध्यम से कटवाने होंगे। ओबीसी की बात करें जिसमें नॉन क्रैमिल ईयर है उसमें ₹350 देने होंगे। साथ ही SC ST कैटेगरीज वालों को ₹250 आपको देने होंगे और फिजिकली हैंडीकैप्ड अभ्यर्थी हैं जो उनको भी ₹250 इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन माध्यम से आपको कटवाने होंगे। प्रवेश पत्र आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं वैकेंसीज का कैटेगराइजेशन, जो कि आप देख सकते हैं आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग साथ ही अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज को चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा ऑफिशियली प्रेस नोट यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी रिक्रूटमेंट्स के अकॉर्डिंग बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही अपनी कैटेगरीज भी अभी इजीली वे में आप देख सकते हैं। इसका कंप्लीट PDF फॉर्मेट हम टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। दूसरी यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो उसमें भी आप देख सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा और अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं वैकेंसीज में टोटल। TSP एरियाज की भी आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आती है नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपका नॉन TSP एरियाज में, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी सेम आपका प्रोसीजर है, जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी आपके पास में जो स्पोर्ट्स पर्सन के पास में जो सर्टिफिकेट्स होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद में बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो भी हमने बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने अभी 2 मिनट पहले बात भी की थी। उसके साथ में अपने पास में वेतनमान की अगर बात करें तो इसमें आपके पास में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का जो वेतनमान होगा वो L10 के अकॉर्डिंग होगा और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो L8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसमें सैलरी दी जाएगी। दोस्तों आपको आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो आपके पास में किसी भी गवर्नमेंट अथोराइज यूनिवर्सिटी से आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, जिसमें मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता की।
तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से भी हो सकता है, फिर एनी इक्विवेलेंट जो हायर एजुकेशन है वो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ध्यान रहे अपने पास में जो ट्रेड दे रखी है, जैसे आपका मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग में, उसके बाद में आपका एमटेक है इसमें कंप्यूटर साइंस से, आईटी इंफॉर्मेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से, उसके बाद में ईटी यानी कि टेलीकम्युनिकेशन है, उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, ये वाले इसमें एप्लीकेशन इजीली भर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता की बात करें तो आपको जो शैक्षणिक योग्यता है आपके पास में, या तो ए लेवल का पीजीडीसी कोर्स आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपके पास में इंजीनियरिंग फील्ड में बीटेक आपके पास में होना चाहिए, इसमें ट्रिपल ब्रांच है, आईटी, सीएस, ईसीई, उसके बाद डबल ए, ईआईसी, उसके बाद टीआईई, ये सभी ब्रांच वाले इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को इजीली वे में भर सकते हैं। ध्यान रहे बीएससी वाले कैंडिडेट जिनके पास में कंप्यूटर साइंस में और आईटी में जो कोर्सेस है वो भी आप इसको एप्लीकेशन को फॉर्म कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे योग्यता राष्ट्रीयता की बात करें तो ये तो बेसिकली आपके पास में होगी। एज की बात करें आप 18 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। साथ ही अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। उसके बाद में आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। इसके लिए परीक्षा की माह की अगर बात करें तो मई और जून महीने में इसका एग्जामिनेशन लिया जा सकता है। साथ ही आवेदन कैसे करें ये भी आप एसओसीआईडी के माध्यम से इजीली वे में आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की संशोधन प्रक्रिया जो है आपको ₹300 देने होंगे। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स में कोई त्रुटि रह जाती है और एप्लीकेशन भरने के तुरंत 7 दिन उपरांत आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को संशोधन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ₹300 देने होंगे। प्रमाण पत्रों की सत्यापिता भी आप देख सकते हैं इसमें। साथ ही आवेदन की गलत सूचना हेतु ये आप देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए जो सिलेबस है वो तो हमने पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस का जो वीडियोज़ है आपको आई बटन्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में थी हाल ही में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूम में जो वैकेंसीज है, बड़ी वैकेंसीज के रूम में यहाँ पे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस था। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।